Hi everyone, welcome to this video. So this video I have created for ISTQB update. I know aap mein se bahut log hai jinko bahut sare doubts hai regarding the new course of ISTQB. Many of my students ask me ki ma'am ye naya course aa gaya hai, pehle se different hai, pura change ho gaya hai ya slight changes hai ya maine jo pehle course kiya tha uska kya hoga? I know aap sab ke paas bahut sare doubts hai. So, ये वीडियो स्पेशली आप सबके क्वेरीज और कंसर्न्स को बताने के लिए है. सो आई नो यू आर एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट द एक्साइटिंग अपडेट्स रिगार्डिंग ISTQB. सो लेट्स गो थ्रू. सो सबसे पहले ISTQB होता क्या? सो ISTQB एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोर्ड एग्जाम है जो ऑल ओवर वर्ल्ड अपनी मान्यता के लिए जाना जाता है. सो आप एज ए फ्रेशर या आप शुरुआत अगर कर रहे हैं तो आप हमेशा ISTQB फंडामेंटल एग्जाम्स देंगे. लेटेस्ट जो ISTQB का वर्जन है दैट इज वर्जन 4 जो 9th ऑफ मे से एप्लीकेबल हुआ है. जिन लोगों ने ISTQB वर्जन 3 में एग्जाम दिया और सर्टिफिकेट मिला है दे आर ऑल्सो वैलिड. सो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि अगर नया वर्जन आ गया है तो आप पुराने वर्जन से जो आपने सर्टिफिकेशन लिया उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है. नो, इट्स अ लाइफ टाइम वैलिडिटी. सो ISTQB इज बेसिकली अ कंप्लीट इंटरनेशनल लेवल ऑफ एग्जाम फॉर द सॉफ्टवेयर टेस्टर्स. सो इस वीडियो में हम लोग कुछ ISTQB के जो लेटेस्ट वर्जन आया है 4 उसपे क्या क्या चेंजेस आए प्रीवियस वर्जन से उसके बारे में सीखेंगे. सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ की चेंजेस जो वर्जन 4 के अंदर आए. सबसे पहला चेंज आया है सिलेबस और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में. सो जो नया वर्जन आया है फोर्थ वाला उसमें 14 बिजनेस आउटकम्स एडिट किए गए हैं. मींस थोड़े से प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं एंड 64 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऐड किए गए हैं कि जहाँ पे आपको अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज को इंक्रीज करना है. सबसे ज्यादा फोकस वर्जन 4 में अजाइल एंड डेवॉप्स पे किया गया है. सो वर्जन 4 में ग्रेटर इम्फेस अजाइल और डेवॉप्स के लिए दिया गया है. थर्ड, इसमें मोस्ट अटेंशन टेस्ट ऑटोमेशन और रिस्क मैनेजमेंट में दिया गया. सो यहाँ पे अलग अलग टेक्निक्स बताई गई है रिस्क मैनेजमेंट की और ज्यादा से ज्यादा फोकस टेस्ट ऑटोमेशन पे किया गया. फोर्थ जो बिगेस्ट चेंज आया दैट इज एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट की यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्फेस आपको दिया गया है एथिक्स के ऊपर या प्रोफेशनल कंडक्ट के ऊपर. मोस्टली ये सारी हाइलाइट्स ऐड की गई है कि कहाँ पे एथिकल बिहेवियर जरूरी है या कहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर आपका क्या क्या रोल है इंडस्ट्री के अंदर और आपको क्या क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी. तो ये मेजर 4 की चैलेंजेस है जो वर्जन 4 के अंदर रिपोर्ट किए गए हैं या ये इन चीजों में एनहांसमेंट किया गया है. सो अब हम देखते हैं चैप्टर वाइज कि चैप्टर वाइज क्या क्या चीजें चेंज की गई है. सो पहला चैप्टर है द फंडामेंटल्स ऑफ टेस्टिंग जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में डिटेल्स ऑफ टेस्टिंग डिफेक्ट्स एरर बग्स के बारे में बताया गया. तो जो वर्जन 3 में है वो तो है ही. उसके अलावा इस चैप्टर 1 के अंदर होल टीम एंड अपडेटेड स्किल सेट्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है. रोल ऑफ टेस्टर्स को एक ब्रॉड लेवल पे डिफाइन किया गया है कि आप डेवलपर्स के साथ मिलकर एज अ टेस्टर अपना रोल कहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो यहाँ पे टेस्टर्स के रोल पे ज्यादा इम्फेस किया गया. एंड ऑफ कोर्स जैसे हमने बात किया था इथिक्स कि यहाँ पे इथिक्स के बारे में और ज्यादा चीजें अपडेट की गई है. देन आपका आता है चैप्टर 2 टेस्टिंग थ्रू आउट द SDLC. सो इस बेसिकली चैप्टर के अंदर आपको डिफरेंट SDLC मॉडल्स के बारे में पढ़ाया गया है जो हमारा सेम वर्जन 3 में था उतना तो है ही. इसके अलावा इसके अंदर फर्स्ट टेस्ट अप्रोच जो है वो इंक्लूड की गई है. डेवॉप और रेट्रोस्पेक्टिव जैसी नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है. सबसे ज्यादा फोकस किया गया कि कैसे हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं अलग अलग मॉड्यूल्स के बीच में एज वेल एज शिफ्ट लेफ्ट अप्रोच भी यहाँ पे अप्लाई की गई है. शिफ्ट लेफ्ट अप्रोच में चैप्टर 2 में भी लिटिल बिट है पर मेजर इम्पैक्ट जो है उसका वो चैप्टर 3 में है दैट इज स्टैटिक टेस्टिंग. स्टैटिक टेस्टिंग में वैसे भी हम लोगों ने देखा होगा रिव्यू मीटिंग्स रिव्यू फीडबैक्स इसके बारे में ज्यादा फोकस किया गया है.
तो ये मल्टीपल टाइप ऑफ रिव्यू मीटिंग्स जो कंडक्ट हो रही है वो तो आपको पढ़ना ही है, जो रिव्यू लाइफ साइकिल्स है वो सारी चीजें आपको करनी है। इसके साथ साथ आपको फोकस करना है फीडबैक मैकेनिज्म को, जो इम्प्रूव किया गया या जो रिव्यू प्रोसेस में चेंजेस लेकर आए गए वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है या आपको सीखना है। अर्ली डिफेक्ट डिटेक्शन पे यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, ताकि बग फिक्सिंग, जो कॉस्टलीस्ट बग फिक्सिंग है, उसको हम प्रिवेंट कर सके। तो ये जो अर्ली डिफेक्ट डिटेक्शन है, दैट इज योर शिफ्ट लेफ्ट अप्रोच। तो यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट अप्रोच पूरा इंट्रोड्यूस किया गया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट करें। सो हम लोग जितना जल्दी टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, बाद में बग फिक्सिंग में जो कॉस्टलियर चेंजेस हैं उतने ही कम होते जाएंगे। सो ये आपका चैप्टर 3 का मेजर पार्ट रहा है। देन चैप्टर 4 में टेस्ट एनालाइज एंड डिजाइन, ये सबसे ज्यादा फोकस्ड चैप्टर है, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी चैप्टर के और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इसी चैप्टर में आ रहे हैं। सो जो जो आपने टेस्टिंग टेक्निक्स वर्जन 3 में पढ़ा था, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स, वो सारी यहाँ पर है। इसके साथ साथ यहाँ पे नया टेक्निक इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज ATDD, एक्सेप्टेंस टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। अभी मार्केट में सबसे ज्यादा यही टेस्टिंग टेक्निक्स अप्लाई की जा रही है। सो यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पे। अब यहाँ पे जहां बात एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की आ रही है, यूजर की आ रही है, तो बट ऑफ दिस अजाइल इम्प्लीमेंटेशन आए गए, तो यहाँ पे अजाइल टेक्निक भी इंट्रोड्यूस की गई है। यहाँ पे स्क्रम के बारे में, स्प्रिंट्स के बारे में, कैसे आपके मल्टीपल स्प्रिंट्स चलते हैं, कैसे स्प्रिंट्स के अंदर मल्टीपल स्क्रम साइकिल्स चलती है, कैसे हम यूजर स्टोरीज क्रिएट करते, एपिक्स क्रिएट करते, ये सब चीजों के बारे में चैप्टर 4 के अंदर काफी डिटेल में बताया गया। सो एक्सेप्टेंस टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट इज बेसिकली अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस जहां पे डेवलपर, टेस्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव, ये सारे के सारे एक साथ मिलते हैं और रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन बनाने से पहले, ताकि जब आपका एप्लीकेशन डेवलप हो उससे पहले ही बहुत सारी स्टैटिक बग्स जो है वो रिजॉल्व हो सके, ताकि जो एरर आने के चांसेस है बाद में डेवलपमेंट के बाद वो रिड्यूस हो सके। सो अल्टीमेटली अभी के टाइम पे इंडस्ट्री का पूरा फोकस है कि जो कॉस्टलियस एरर चेंजेस होती है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सके। तो इसके अंदर हमने यही ATDD यूज किया है टेक्निक, एंड अजाइल मेथडोलॉजी भी यहाँ पर अप्लाइड की गई है। फिफ्थ चैप्टर आपका आता है मैनेजिंग द टेस्ट एक्टिविटीज। अगेन यहाँ पे पूरा आपका टेस्टिंग प्रोसेस को डिफाइन किया गया है, टेस्टिंग लाइफ साइकिल्स को डिफाइन किया गया है, कैसे आप पूरा टेस्टिंग प्रोसेस कंडक्ट करते हैं उसको डिफाइन किया गया है। इनकॉर्पोरेट्स मॉडर्न टेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जैसे टेस्ट पिरामिड्स, इटरेशंस, प्लानिंग, रिलीज प्लानिंग्स। तो प्लानिंग को और ज्यादा मॉडिफाई किया गया, तो फिफ्थ चैप्टर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लिटिल बिट ऑफ प्लानिंग चेंजेस है। देन लास्ट आपका आता है चैप्टर 6, दैट इज अ टेस्टिंग टूल। अगेन यहाँ पे देवॉप टूल्स एंड CI/CD पाइपलाइंस के लिए, जैसे जेनकिंस वगैरह है, रिस्क ऑटोमेशन, रिस्क टेस्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट पे कैसे ऑटोमेट करवा सकते हैं, कौन से ऑटोमेशन टूल्स अप्लाइड हो रहे हैं मार्केट में, कौन से ज्यादा लेटेस्ट ऑटोमेशन टूल्स चल रहे हैं, वो चैप्टर 6 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो जैसे मैंने आपको की फैक्टर बताया था कि ऑटोमेशन टूल्स के बारे में यहाँ पे एड ऑन किया गया है, देवॉप एंड अजाइल के बारे में एड ऑन किया गया है, एथिक्स के बारे में जो हमने चैप्टर 1 में देखा उसके बारे में और चीजें एड ऑन की गई है। सो ये आपका चैप्टर वाइज हमने डिफाइन किया कि कैसे चैप्टर वाइज चीजों को इंप्लीमेंटेड किया गया है। सो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि इसका पैटर्न कैसा होगा। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ISTQB वर्जन 3 एंड ISTQB वर्जन 4। पैटर्न जो है आपके एग्जाम का वो बिल्कुल सेम है। आप ISTQB की वेबसाइट पे जाइए, अपना आपको रजिस्टर करिए। ISTQB वर्जन 4 के अंदर भी टोटल 40 क्वेश्चंस आपके आएंगे। 1 आवर का आपका एग्जाम होगा। ईच क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क्स। सो यहाँ पे थोड़ा चैप्टर वाइज हमने बाइफ्रोगेट कर दिया है, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कहाँ पे आप एक लास्ट मोमेंट पे भी रिवाइज कर सकते हैं। सो चैप्टर 1 जो अभी हम पे ज्यादा फोकस हुआ है, पहले के कंपैरिजन चैप्टर 1 का इस बार का वेटेज ज्यादा है।
यहाँ पे चैप्टर वन को 8 मार्क्स दिए गए, मतलब आउट ऑफ 48 क्वेश्चंस जो है आपके वो चैप्टर वन से आएंगे। तो एथिक्स से रिलेटेड, साइकोलॉजी ऑफ टेस्टर से रिलेटेड, व्हाट एक्चुअली द पर्पस ऑफ टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आने वाले। देन आता है आपका चैप्टर टू, जहां पे हमारा फंडामेंटल्स एंड देवॉप्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। वहां से टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 40। देन चैप्टर थ्री, जहां पे शिफ्ट टेस्टिंग अप्लाई किया गया या शिफ्ट टेस्टिंग अप्रोच नया इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें से चैप्टर उसमें उस चैप्टर में से आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। देन चैप्टर फोर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें हमने सारी की सारी डिफरेंट टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। इवन आपकी ATDD न्यू टेस्टिंग टेक्निक्स को भी, इवन आपकी अजाइल टेस्टिंग टेक्निक्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। सो ये सारी चीजें इसी चैप्टर में है। सो इस चैप्टर में से आपको टोटल 11 क्वेश्चन आएंगे। देन चैप्टर 5, विच इज अगेन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर ISTQB, जहां पे पूरा प्रोसेस डिफाइन किया गया है। चैप्टर 5 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लास्ट जो वर्जन है ऑलमोस्ट उसी में से है। सो इसमें से आपके टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे। एंड चैप्टर 6, जहां पे नए टूल्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आपके पूरे 40 क्वेश्चन का फिनोमिना बना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्जन 4, की वर्जन 4 में क्या क्या नई नई चीजें और अपडेट हुई है। सो अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर ISTQB 4, तो देर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज जो अवेलेबल है। सबसे पहले आप ISTQB की वेबसाइट पे जाइए, वहां से वर्जन 4 का सिलेबस डाउनलोड करिए, गो थ्रू करिए एक एक चीज को डिटेल में, कि क्या क्या नया इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या क्या करंट मार्केट के हिसाब से चल रहा है, क्या क्या चीज आपको आती है, क्या क्या चीजें आपको अपडेट करनी है। देन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है जहां पे आपको ISTQB 4 के बारे में पता चलेगा। सेम ISTQB वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे सैंपल पेपर्स है वर्जन 4 के लिए। सो आप वो सारे पेपर्स डाउनलोड करिए, उसके बारे में जितना हो सके उतने पेपर्स को रिजॉल्व करिए। ISTQB को क्रैक करने के लिए द बेस्ट ट्रिक इज ओनली दैट, सॉल्व एज मेनी पेपर्स एज यू कैन। जितने आप ISTQB के पेपर्स को, सैंपल पेपर्स को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करेंगे, उतना ही आपका बेटर प्रैक्टिस होगा। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जस्ट गिव दैट द एग्जाम्स, जस्ट गिव दैट द सैंपल पेपर्स। सो जब भी आप वर्जन 4 की तैयारी करें, तो मेजर फोकस आप DevOps पे, अजाइल पैथोलॉजी पे, ऑटोमेशन मैनेजमेंट टूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, इन पे थोड़ा अपना फोकस ज्यादा रखिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस इस बार ज्यादा आने वाले। सो दिस इज ऑल अबाउट आर ISTQB वर्जन 4। ऑल द बेस्ट टू ऑल हु आर अपियरिंग फॉर दिस नया कोर्स। थैंक यू।